दोस्तों आजकल ना स्मार्टफोन की मार्केट में बहुत ही ज्यादा बड़ी टक्कर चल रही है दो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के बीच। एक है Realme जो कि काफी नया बिल्कुल मार्केट को हिला के रख दिया, और दूसरा काफी ट्रस्टेड है अभी Xiaomi। Redmi और Realme में बहुत ही बड़ी यहाँ पर टक्कर चल रही है, और आप लोगों ने बोला था Note 6 Pro को Realme U1 के साथ कंपेयर करो और बताओ दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है। ये मेरे खुद के स्मार्टफोन से कोई रिव्यू नोट्स नहीं है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि दोनों में से कौन सा फ़ोन बढ़िया है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ना मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है नीचे कॉमेंट सेक्शन और पोल बटन मुझे दोनों में बताना कि आप अपने फ़ोन में रेयर कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर फ्रंट कैमरा, और क्यों नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताना, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले ना इस रिव्यू को स्टार्ट करेंगे इनकी बिल्ड क्वालिटी के साथ। जब मैं बात करता हूँ ना Redmi Note 6 Pro की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, आप अगर इसे पीछे से देखोगे तो देखने में नो डाउट ही अच्छा लगेगा आपको, पीछे मेटल का यूज़ देखने को मिलता है। हालांकि इसके जो अराउंड में प्लास्टिक यूज़ किया गया, बट देन अगेन हाथ में फील काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी प्रीमियम है। उसके बाद जो इसकी बटन्स हैं वहाँ पर इसकी टैक्टाइल फील बहुत अच्छी है, काफ़ी क्लिकी बटन्स आपको देखने को मिलते हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया, हाँ बहुत लाइट नहीं है, बट देन अगेन हाथ में सॉलिड और प्रीमियम फील होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है मेरे ओपिनियन से। अगर उसके बाद मैं दोस्तों बात करूँ ना यहाँ पर Realme U1 की, तो Realme U1 एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसका मुझे ये ब्लैक कलर ना बहुत ही अच्छा लगा है। कलर के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपको देखने में ये ब्लैक लगेगा, बट डिफरेंट एंगल पर आपको ग्रेइश कभी ग्रीनिश सा टिंट देगा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर सारा का सारा फ़ोन प्लास्टिक में कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये जो Realme U1 है ना, पर्टिकुलरली इसकी लुक काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बैक पे आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलता है तो यार एक तरीके का प्लास्टिक, बट देन अगेन ग्लास वाली पूरी की पूरी फिनिश देता है। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी चल जाएगा, इतना प्रीमियम नहीं लगता, बट देन अगेन चल जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसके बटन्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स की नीड है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बुरे बटन्स नहीं है, बट देन अगेन बहुत बढ़िया बटन्स भी है बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि Redmi Note 6 Pro अच्छा, बट अगर आपको मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो मैं बोलूँगा Realme U1 बेहतर है। उसके बाद दोस्तों जो मैं अगली चीज़ की बात करूँगा ना, वो है इनकी डिस्प्ले क्वालिटी की। सही से बता रहा हूँ, दोनों ही स्मार्टफोन्स की जो डिस्प्ले है ना वो बहुत अच्छी है। 6.3 इंच का फुल HD प्लस पैनल मिलता है Realme U1 में, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Redmi Note 6 Pro की, यहाँ पर आपको 6.26 इंच का फुल HD प्लस पैनल मिलता है। दोनों की कलर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी है, कलर्स बहुत बढ़िया नेचुरल है, ब्राइट है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस जो देखने को मिलेगा वो है नॉच का। अगर तो आपको छोटी सी नन्नी मुन्नी सी नॉच पसंद है तो Realme U1 ले लो, बट अगर आपको बड़ी आईफोन वाली नॉच चाहिए तो आपको Redmi Note 6 Pro लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक हल्का सा प्रॉब्लम ये है कि Realme U1 की डिस्प्ले ना हल्की सी कम ब्राइट है जब आप इसे Redmi से कंपेयर करोगे, बट ओवरऑल क्वालिटी सेम है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की। यहाँ पर ना लोगों ने हल्ला मचा रखा, लिटरली हल्ला, कि पता नहीं हो क्या गया। हाँ हमें Realme U1 में हीलियो P70 देखने को मिलता है माली के G72 MP3 GPU के साथ। 3 GB और 4 GB में आता है ये, 32/64 इंटरनल स्टोरेज, और सबसे अच्छी बात है कि आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है इस पर। बट उसके बाद Redmi Note 6 Pro की बात की जाए, स्नैपड्रैगन का 636 एड्रीनो 509 4 या 6 रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, और इसका ड्रॉबैक ये है कि ये हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट के साथ आता है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। अभी मैं रियलिटी में परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, तो यार देखो जब बात आएगी ना गेमिंग की, दोनों ही स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पबजी में अब आप बात करोगे कि HD सेटिंग में प्ले कर सकता है ये हीलियो P70, जी हाँ कर सकता है, यहाँ पर मीडियम में कर सकता है Redmi Note 6 Pro। मैं ये नहीं बोलूँगा कि गेमिंग में पर्टिकुलरली जो है Realme U1 बहुत ही कमाल का, हाँ ये गेमिंग अच्छे से कर लेता, आपको हमारे चैनल पर इसका गेमिंग रिव्यू मिल जाएगा, बट यार ऐसा नहीं कि ये डे एंड नाइट का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं। हाँ जहाँ पर मैं एज देना चाहूँगा Realme U1 को वो होगा इसका CPU, क्योंकि CPU इसका काफ़ी पावरफुल है, ऐप ओपनिंग टाइम काफ़ी अच्छी है। गेमिंग में हल्का सा लिटरली थोड़ा सा एज मिलेगा यहाँ पर Realme U1 को, बट कई गेम्स ऐसी हैं जो कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइज है। बट जहाँ पर बात आ जाएगी ना यहाँ पर यूज़र इंटरफेस की, जो MIUI 10 रन करता है ना ये Redmi Note 6 Pro, इसका इंटरफेस बहुत कमाल का है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं आपको Redmi में। उसके बाद जो कलर ओएस है, नो डाउट आपको फीचर्स बहुत मिलते हैं,
बट एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, उतने स्मूथनेस भी नहीं है। आपको आई बटन में कलर ओएस की प्रॉब्लम वाला वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद डेफिनेटली देखना। तो परफॉर्मेंस में हल्का सा एज मिलेगा गेमिंग में रियलमी को, बट डेफिनेटली जो यूज़र इंटरफेस है काफ़ी फास्ट है और काफ़ी ना स्मूथ है इस रेडमी नोट 6 प्रो का। दोस्तों जब बात आ जाती है ना कैमराज की, तो कैमरा में यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। Redmi Note 6 Pro में 12+5 megapixel का रियर कैमरा मिलता है f1.9 के अपर्चर के साथ 1.5 माइक्रोन का पिक्सल साइज। Realme U1 में आपको 13+2 megapixel का कैमरा मिलता है, ठीक है, f2.2 के अपर्चर के साथ। हैंड्स डाउन मैंने लिटरली ना अपने नोट्स में लिखा हुआ है कि इसका जो बैक कैमरा है ना, तो इसके कलर्स अच्छे हैं ना, तो इतनी डिटेल है, ये बैक कैमरा अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लिटरली मैंने ऐसा सोचा था कि इसका बैक कैमरा अच्छा होगा, कलर्स इंप्रूव्ड होंगे क्योंकि हीलियो P70 है, बट 15,000 के बजट में किलर कैमरा देखने को मिलता है रेडमी नोट 6 प्रो का जो रेयर वाला है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी इतना बुरी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो है रियलमी U1 से, बट जहाँ पर बात आती है ना फ्रंट कैमरा की, वहाँ पर रियलमी U1 में 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है और रियलिटी में ये जो फ्रंट कैमरा काफी अच्छा है, डे लाइट लो लाइट काफी सारे डिटेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। Redmi Note 6 Pro में आपको आगे भी ड्यूअल कैमरास मिलते हैं 20+2 मेगापिक्सल वाले, इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, काफी सारी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ओवरऑल बहुत ही कमाल का ये कैमरा है इसका Redmi Note 6 Pro का भी। दोस्तों अगर दोनों का कैमरा कंपैरिजन में कर भी दूँ ना, तो जो रेयर में डिफरेंस है रेयर के कैमरा में, वो एक्चुअली डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। जो Redmi Note 6 Pro के रेयर कैमराज है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो फ्रंट कैमरा की बात आती है, डेफिनेटली Realme U1 का सिंगल फ्रंट कैमरा अच्छा है, बट डिफरेंस दोनों में बहुत ही ज़्यादा कम है। जब मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करता हूँ, सिंपली Redmi Note 6 Pro बेहतर है, इसके लाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छे हैं, फिर इसकी वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलती है। सिंपली कैमरा में बहुत सुपीरियर है ये Redmi का Note 6 Pro। Realme U1 ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म करता, बट देन अगेन लेवल का कंपैरिजन नहीं है। जब मैं बात करता हूँ बैटरी की, 3500 mAh की बैटरी मिलती है आपको Realme U1 में माइक्रो USB के साथ, कोई फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ना Realme U1 में बात पता क्या है कि ये आपको एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा, बहुत कमाल की बैटरी नहीं है, बट जो हीलियो P70 का स्टैंड बाय टाइम है वो बहुत अच्छा है। एक दिन का बैटरी बैकअप, अराउंड 5-5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम भी मिल जाएगा। जब मैं बात करता हूँ ना Redmi Note 6 Pro की, तो भाई साहब जो MIUI ने यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ किया है इस फ़ोन को, वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया पहली बात। उसके बाद आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, माइक्रो USB है, बट देन अगेन क्विक चार्जर 3 का स्पोर्ट है, बट डब्बे में चार्जर नहीं है। फास्ट चार्जर के साथ 2 घंटे में चार्ज हो जाता है, 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको ये स्मार्टफोन देता है, 8-9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल जाता है, कई बार उससे भी ऊपर चला जाता है। डेफिनेटली बैटरी लाइफ बेहतर है Redmi Note 6 Pro की, और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। दोस्तों जहां पर बात आ जाती है साउंड एंड कॉल क्वालिटी की, देखो कॉल क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी दोनों स्मार्टफोन्स की, मैंने बहुत सारे कॉल्स लिए, कोई भी दिक्कत नहीं आया। उसके बाद जो नेटवर्क रिसेप्शन थी वो भी दोनों ही स्मार्टफोन्स की काफ़ी अच्छी थी। हल्का सा एज देना चाहूँगा यहाँ पर रेडमी को, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो स्पीकर की वॉल्यूम है दोनों की बहुत लाउड है, बट हल्की सी क्लैरिटी जो है रेडमी के ज़्यादा है, और जो हेडफोन जैक है वो मुझे पर्टिकुलरली रियलमी यू वन का काफ़ी अच्छा लगा। अब तक आपने जो कंपैरिजन देखा है उसमें आपको ये भी बता दूं कि दोनों डिवाइसेस में इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं, फेस अनलॉक है जो कि अच्छे से काम करता है, और सरप्राइजिंगली जो रेडमी का फेस अनलॉक है ये भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों अगर आपको इसका रिव्यू सम अप करूँ ना, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि रियलमी यू वन अगर आपने लेना है तो इसका 12,000 वाला वेरियंट जो है आप ऑप्ट कर लो, 3GB 32GB वाला, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बट अगर आप 14,500 में से लेना चाहते हो तो मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ अगर आपको सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा चाहिए, वो छोटी सी नॉच चाहिए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप जो है रियलमी यू वन ले लो, बढ़िया फोन है 14,500 में भी। बट अगर मैं आपकी जगह होता 14,000 रुपए में मैं लेता रेडमी नोट 6 प्रो, क्यों? हाँ मुझे पता है कि 636 प्रोसेसर है, बट बेस्ट इन क्लास कैमराज है और बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। हाइब्रिड सिम स्लॉट इसका एक डिसएडवांटेज है मेरे ओपिनियन से। दोस्तों ये था कंपैरिजन दोनों ही स्मार्टफोन्स का, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक कर देना, मुझे काफी खुशी मिलेगी। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी या वीडियो रिक्वेस्ट है, कुछ भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दो। इस वीडियो के लिए केवल इतना ही था, देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।